सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम द मनाली। तो सुबह हो चुकी है, मैं फ्रेश हो चुका हूँ अच्छे से और मैंने अपना पूरा सामान भी बांध लिया है। तो आज हमारी प्लानिंग है जाने की टुवार्ड्स द किलोंग बाय क्रॉसिंग द अटल टनल। ठीक है, तो देखते हैं कि रास्ते में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो अभी मैं आपको बाहर के व्यू दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं एंड दिस इज द व्यू, वंडरफुल। और वो सामने देखिए, वहाँ पर है बर्फ वाली पहाड़ियाँ। अभी सूरज आएगा और उनके ऊपर जब सूरज की किरणें पड़ेंगी तो वो फिर यहाँ से उनका भी व्यू बहुत ही अच्छा होगा। तो अभी पूरा मनाली शांत है, सुबह के 5:30 बजे हैं। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से, वेरी पीसफुल। तो हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है। ठीक है, तो चाय है, पराठा है, अचार है। तो भी करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर यहाँ से चलते हैं। ठीक है, और यार वैसे ना मनाली में जो रूम्स होते हैं उनमें हे फैंस नहीं होते, बट यहाँ पर है। ठीक है, सुना हो, चलिए अब हमारा जाने का टाइम हो गया है। तो एक बार रूम की चेकिंग कर लें कि कुछ रह ना जाए। ठीक है, हम चल रहे हैं, चेक कर लीजिए। ठीक है, एक बार मुझे दे दो कहाँ। ओके सर, थैंक यू। सो ये सामने है वन विहार। तो यार हम आज मनाली को एक्सप्लोर नहीं करने वाले क्योंकि यहाँ पर बहुत ही रश है। तो हम जाएंगे सीधा ही यहाँ से आगे और ये हमारा पूरा रोड ट्रिप आगे का ही रहने वाला है। का ये रास्ता है? हाँ जी, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। रोहतांग टनल 24 किलोमीटर। तो यार व्यू देखिए यहाँ से। तो यार ये देखिए सामने के व्यूज, और वी आर गोइंग टुवार्ड्स द अटल टनल। और मनाली ऑलमोस्ट निकल चले हैं, अभी पहले सोलंग वैली आएगी, सॉरी सोलंग वैली 7। और आप पहले सामने व्यूज देखिए, वो सामने ग्लेशियर और ऊपर वंडरफुल व्यू, दैट इज़ अमेजिंग। तो अगर कभी आप आएँ और आपने कोई स्टे करना हो तो आई थिंक इस तरफ के जितने भी होटल हैं वहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा आपको। ठीक है, बैक साइड पर, तो यहाँ पर रुकें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो वो सामने एक है पैराडाइज समथिंग, और सामने है आशा निवास, और सामने हाईलैंड पार्क, और इनके आसपास आप लोग रूम देख सकते हैं फॉर द बेस्ट व्यूज़। ठीक है, और यहाँ से व्यूज़ और अच्छे हो गए हैं, दैट्स अमेजिंग यार, जन्नत है ये तो। सभी तरफ स्नो माउंटेन्स हैं 1 एंड 2। तो आई थिंक इन पहाड़ों को क्रॉस कर कर सभी जगह ऐसे ही व्यूज़ मिलेंगे। दिस इज़ दी पल्शन ब्रिज। इससे पीछे रोहतांग पास का रास्ता था और ये रास्ता जाएगा सोलंग वैली एंड टुवार्ड्स दी अटल टनल। ठीक है, और अगर आप लोग ब्यास कुंड तक जाना चाहते हैं तो उसका रास्ता भी यही है, आप लोगों को अटल टनल तक जाना पड़ेगा और वहाँ से ब्यास कुंड का ट्रैक शुरू हो जाता है। और जब हम अगली बार आएंगे तो ज़रूर जाएंगे। ठीक है यार, यहाँ पर हमने की है बाइक पार्क, और अभी भी मुझे एक
और बात यहाँ पर पता चली है कि अगर आपके पास पेट्रोल होगा, मतलब एक्स्ट्रा पेट्रोल आपने रखा होगा, तो आपको वो अटल टनल से आगे बिल्कुल नहीं जाने देंगे। तो अटल टनल से आगे आप पेट्रोल ना लेकर जाएं, ठीक है। चेकिंग कर रहे हैं, तो ये है सोलंग वैली, तो अंदर चलकर आपको व्यू दिखाते हैं। सो राइट नाउ वी आर इन दी सोलंग वैली, तो आप पीछे देख सकते हैं व्यूज। तो यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं पैराग्लाइडिंग, वो देखिए सामने, और बहुत सारे कुत्ते अंदर एंट्री लेते हुए, लगभग 10 से ज़्यादा कुत्ते होंगे। सो वो देखिए सामने ऊपर जा रहे हैं फॉर द पैराग्लाइडिंग, और यहाँ से है रोपवे जो कि बहुत ही हाइट तक जाता है, ठीक है। और आपको बहुत ही अच्छे व्यूज़ इसमें से मिलने वाले हैं। इसका प्राइस है 700। तो सोलंग वैली में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं, और नीचे जिप लाइन भी है। जिप लाइन मतलब जो रिवर क्रॉसिंग करवाते हैं, राफ्टिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी मनाली में, ठीक है, यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर जो है सोलंग वैली, एक तो व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, आप बैठ कर इंजॉय करें, और सामने वहाँ पर हैं स्नो क्लैड माउंटेन्स, और इस तरफ रोपवे, और वहाँ से होती है पैराग्लाइडिंग, ठीक है। सो यहाँ के जो डॉग्स हैं वो भी काफ़ी हैवी हैं। सो यहाँ पर है रोपवे, यहाँ से जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है। एंड देयर इज पैराग्लाइडर्स। हाँ, यहाँ पर ATV बाइक्स भी हैं। तो काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं जो आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए, दिस इज़ जीरो पॉइंट स्की सेंटर। ऊपर जो प्लेस है ना, ऊपर जाकर बहुत शांति मिलती है, और बहुत ही अच्छे व्यूज़ भी मिलते हैं, ठीक है, वंडरफुल। Entering to the Atal Tunnel.
सो दिस इज़ दी अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सो बहुत ही अच्छी टनल बनाई गई है और ये टनल पूरे 9 किलोमीटर की है जो कि पीर पंजाल रेंज में से क्रॉस करती है और 10,000 फीट से के ऊपर की ऊंचाई पर सबसे लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी टनल है। ठीक है, सो दिस इज़ द व्यू ऑफ द अटल टनल। तो पूरे रास्ते का तो हम वीडियो बिल्कुल नहीं बनाएंगे क्योंकि सारी टनल एक जैसी होगी, सेम टू सेम। तो आई होप कि आप लोगों को अंधेरे में सब कुछ दिखाई दे रहा हो। तो यहाँ पर स्पीड लिमिट रखी गई है 60, तो आपको ज़्यादा स्पीड पर बिल्कुल नहीं चलना है और रुक नहीं सकते हम रास्ते में, ठीक है, और ना ही किसी को ओवरटेक करना है, बस अपना आपने धीरे धीरे चलते जाना है। ठीक है, सो दैट्स द अमेजिंग वर्क बाय द इंजीनियर्स BRO, थैंक्स टू द BRO। क्योंकि इससे पहले अगर आप लोग रोहतांग पास से ऊपर से आएंगे तो आपको 4 घंटे लगते हैं और ये सिर्फ 9 किलोमीटर का रास्ता है एंड इसके अंदर काफ़ी ठंड है, ठीक है, इसीलिए हमने जैकेट पहनी हुई है, सो नो प्रॉब्लम। तो यार अटल टनल क्रॉस करने के बाद आप लोग क्या देखेंगे कि व्यूज़ बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए व्यूज़ बिल्कुल ही डिफरेंट है, पूरी वैली चेंज हो गई है। और बहुत ही तेज हवा चल रही है यहाँ पर, ओहो हो हो हो। अभी हम क्रॉस करने वाले हैं चंद्रा ब्रिज और बहुत ही तेज हवा का भाव है, ओहो हो हो हो। जाने दो, जाने दो। ले है यहाँ से 396 किलोमीटर और दूसरा रास्ता यहाँ से जाता है खोक्सर की तरफ, हम जाएंगे सिसु की ओर और दूसरा रास्ता यहाँ से जाएगा कुंजुम पास, खोक्सर एंड स्पीति काजा। और यहाँ पर बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही जानी के बहुत ही ठंडी।